नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे एक और नई गाड़ी का रिव्यू लेकर गाड़ी हमारे पास से टाटा की हैरियर है। मॉडल की हम बात करते हैं तो हमारा XZA+ ऑप्शनल ऑटोमेटिक ये हमारा मॉडल है। ये BS6 फेस 2 का वेरिएंट है जो अभी गाड़ी फिलहाल 2023 में अभी लॉन्च हुई ना, इसके अंदर क्या क्या अपडेट हुए वो हम आपको बताएंगे अभी। अभी सभी गाड़ियों में ना टाटा या कोई सी भी कंपनी है उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया। अभी गाड़ी ऐसी बना दी है कि उसके अंदर जो सेफ्टी फीचर है और है वो उनके अंदर इन्होंने ऐड कर दिया। जैसे हमारी ये सफारी, इसके अंदर भी काफ़ी चेंजेस आपको मिल जाएगा के अंदर, जैसे रडार वगैरह हैं और जो म्यूजिक सिस्टम है फ्रंट में, जैसे आपको एडास फीचर दे रखे है, रडार भी बोलते हैं एडास, कुछ कुछ इंटीरियर है 360 वो इसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। जिस गाड़ी के अंदर हमारा जो म्यूजिक सिस्टम है या फोन से हम कनेक्ट करके उसको 200+ से कमांड इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं और गाड़ी में एडास फीचर होगा, म्यूजिक सिस्टम होगा, 360 है, हिल डिसेंट है, आपका ब्रेक है हमारा ऑटो होल्ड ब्रेक, काफ़ी सारे इसे गाड़ी के अंदर जो फेस 2 है ना वो चेंजेज आपको देखने को मिल जाएंगे। इंजन हमारा सेम वही रहेगा, 2000 cc का हमारे को इसका डीजल इंजन मिल जाता है जो गाड़ी हमारे एवरेज देता है। यार ये 14.6 की कंपनी हमारे को क्लेम करती है भाई ये गाड़ी आपको इतने एवरेज देगी। 4 सिलेंडर इंजन है हमारे को, पावर 167 और 350 Nm की टॉर्क देता है। बोनेट में हम देखते हैं ना, बड़ा सारा हमारे को यहाँ पर बोनेट मिल जाता है, बोनेट के ऊपर डिजाइन रहेगा। यहाँ पर फ्रंट में आपको हैरियर की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, टाटा का लोगो रहेगा, यहाँ पर आपका फ्रंट कैमरा रहेगा, ब्लैक के अंदर आपका बम्पर मिल जाएगा, नीचे ब्लैक और व्हाइट का स्टफ मिल जाएगा, यहाँ पर साइड में हमारे DRL रहेंगे, प्रोजेक्टर आपको लाइट मिल जाती है, नीचे फॉग लैंप रहेंगे और फ्रंट में यहाँ पर जो एक मेन चीज ऐड हुई है वो एडास फीचर हमारे यहाँ पर इन्होंने ऐड किए हैं। ये ग्रिल दिया हुआ है हमारे यहाँ पर, नीचे से कुछ ऐसा इसका डिजाइन मिल जाएगा। यूनिक सा फ्रंट का जो कैमरा वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, अलग से यहाँ पर ग्लोसी का स्टफ देखने को मिल जाएगा। ये भी हमारी पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर ग्रिल है फ्रंट की, और एक आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर जो हमारा ना यहाँ पर ये इसका कैमरा मिल जाएगा, रेन वाइपर सेंसर भी वर्क करेगा और ये एडास वाला भी, दोनों से कनेक्ट करके हम गाड़ी को जैसे हाईवे पे चलाते ना उसका ये हेल्प दोनों ही करेंगे हमारे कंबाइन। यहाँ पर हमारे को ये वाइपर मिल जाते हैं, साइड की प्रोफाइल ये रहेगी, ब्लैक कलर के हमारे को आउटसाइड ORVM मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर और यहाँ पर हमारा जो 360 वाला कैमरा है ना वो देखने को मिल जाता है। टायर साइज की बात करते थे यार, काफी बड़े हमारे को इसके टाटा सफारी है, हैरियर है, दोनों के ना टायर हमारे को सेम ही मिल जाते हैं काफी। यहाँ पर देखिए 235, 65 और 17 इंची टायर डायमंड कट एलॉय मिल जाएंगे आपको, डिस्क ब्रेक आपको ऑल 4 ब्रेक इसके हमारे डिस्क के अंदर मिल जाते हैं फ्रंट के और बैक के, और यहाँ पर ब्लैक की ना आपको व्हील वर्क मिल जाती है साइड में। देखिए यहाँ ये भी पीछे से ये दोनों विंडो है ना हमारे, ये भी ब्लैक का ये स्टफ मिल जाएगा, और यहाँ पर फुट स्टेप रहेंगे हमारे, ग्राउंड स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, बॉडी कलर के हमारे हैंडल रहेंगे और यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको ये क्रोम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बॉडी कलर है, साइड से देखते तो आपको ये है ना क्रोम का स्टफ देखने को मिल जाएगा, कीलेस एंट्री रहेगी, ए से लेकर सी पिलर तक ना ब्लैक का स्टफ देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पर हैरियर की बैजिंग मिल जाएगी, रूफ रेल मिल जाती है, सर फैन एंटीना मिल जाता है, सनरूफ आपका रहेगा इसके अंदर, और यहाँ से भरेंगे डीजल, बैक के ब्रेक भी इसके अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पर टाटा का बीच में हमारे को लोगो मिल जाता है, बैक में हमारे को स्पॉइलर, हाई स्टॉप लैम्प, डिफोगर, वाइपर, वाशर और यहाँ पर लोकल फोर वोकल की बैजिंग मिल जाती है, टाटा का लोगो रहेगा, बैक कैमरा आपको मिल जाता है। ये भी हमारे जो पूरी की पूरी ये ब्लैक का स्टफ है ना ग्लोसी के अंदर मिल जाएगा, टेल लाइट मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर और बैक लाइट के साथ में आपको, नीचे हमारे यहाँ पर ये और ये ड्यूल रिफ्लेक्टर आपको मिल जाते हैं, अभी मे भी ये लाइट है आप कमेंट कर सकते हो हमारे को। ये ऐसे कुछ हमारे को डमी मिल जाती है जो एडजस्ट पाइप है ना उसके लिए, नीचे हमारे एडजस्ट पाइप और 2 के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है, और नीचे जो स्पेयर व्हील है ना वो यहीं पे हमारा रहेगा, पीछे बैक में हमारे को पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, कीलेस आपको एंट्री मिल जाती है। एक बार ना अंदर की तरफ चलते हैं, वो इंटीरियर आपको दिखाते हैं, बाहर की साइड जो मैंने चेंजेस बताए थे ना मैन आपको जो एडास फीचर का वो ही ऑप्शन एड ऑन किया गया है, अंदर की तरफ दिखाते हैं। देखिए है हमारी ड्राइवर साइड वाली विंडो, यहाँ पर हमारे लेफ्ट और राइट का ORVM है ना उसको सेट कर सकते हैं यहीं से। यहाँ पर टेक्सचर के अंदर हमारा स्टफ रहेगा, ये लेदर रहेगा हमारा, इधर भी हमारा प्रॉपर लेदर, यहाँ पर ये हमारे को ना देखिए ये और ये अलग से स्टफ है दोनों का, इसका भी ये हमारा क्रोम स्टफ है, ये हल्का सा सिल्वर स्टफ आपको देखने को मिल जाएगा, ये लेदर के अंदर आपका आर्म रेस्ट भी है और यहाँ पर हमारे सारे कुछ कंट्रोल दिए पावर विंडो के, अभी ड्यूल बोटल स्पेस आपको मिल जाता है यहाँ पे,
और इधर हमारे अम्ब्रेला के लिए स्पेस भी ये इधर रहेगा। स्पीकर ऑटोमेटिक के अंदर है ना, पैडल और हमारा एक इसमें रेस रहेगी। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पर भी हमारे जो इसी के वेंट है ना सिल्वर का स्टफ, यहाँ पे भी सिल्वर स्टफ और इधर भी है सिल्वर का स्टफ आपको देखने को मिल जाता है। ये हमारी सीट है, एट वे में एडजस्टेबल आपको ये सीट मिल जाएगी। यहाँ इसके अंदर देखिए हमारे यहाँ से ना इसको वेंटिलेटेड सीटें रहेंगी हमारी, को ना मैनुअली सेट कर सकते हैं। और तीन इसके हमारे को मोड दिए हैं, जैसे भी हम भाई फैमिली में तीन बंदे हैं अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। और एक बार जो जैसे आप दो दबाते हो या तीन दबाते हो उसी मोड पर हमारी सीट अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। और इधर हमारे टायर प्रेशर ये ना यहाँ पे देखिए, ये भी सिल्वर का स्टफ इस पे दिया हुआ है, एरो का डिजाइन देखने को मिल जाएगा। ये भी अलग लुक्स इसका बनाता है भाई गाड़ी का। देखिए ये अंदर की तरफ यार मस्त सारा आपको ये देखने का इंटीरियर मिल जाता है। लेदर के अंदर सभी सीटें रहेंगी भाई इसकी, प्रॉपर लेदर एडजस्टेबल आपके हेड मिल जाएंगे, चार आगे वाले और पीछे वाले, आर्मरेस्ट यहाँ पे। और ये हमारा स्टेयरिंग शानदार सा, एक बार अंदर एंट्री कराते हैं आपके। टाटा का लोगो रहेगा, हॉर्न, एयरबैग्स और इधर हमारे मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल। यहाँ से हम इसकी वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, वॉइस कमांड का, कॉल कट रिसीव और इधर हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड और क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। वाइपर कंट्रोल है और इधर हमारे लाइट कंट्रोल, जो स्टेयरिंग है हमारा टिल्ट और टेलीस्कोपी दोनों आपको मिल जाते हैं। जैसे भी आपको एडजस्ट करके चलाना है वैसे ही कुछ आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना इसमें चेंजेस मिल जाएगा। और जो हमारा डिस्प्ले ना 10.25 इंची आपको डिस्प्ले मिल जाती है, काफ़ी बड़ी सारी। जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी रहेगी इसके अंदर। एसी के फैन इधर ही इसके ऊपर हमारा ये ही सिल्वर का स्टफ मिल जाता है। यहाँ पर मोड रहेगा इको स्पोर्ट, ये हमारे लाइट का, पार्किंग इंडिकेटर के और ये हमारे एसी से रिलेटेड कंट्रोल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारे ये मोड दिए हुए हैं गाड़ी के, ये तीनों मोडों में से हम इसको चेंज कर सकते हैं। और इधर 360 व्यू का भी ऑप्शन दिया हुआ है। फिलहाल बैटरी गाड़ी की लो है ना इसलिए ये हमारा हिल डेस्टिनेशन कंट्रोल बटन दिया हुआ है। और यहाँ पर ये हमारा जो गियर है इस पर भी एरो के डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑटो पार्किंग होल्ड बटन दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे बैक में गाड़ी जाएगी ना ऑटोमेटिक ये गाड़ी को पीछे जाने से रोकेगा, ताकि पीछे तो ये नहीं जाने देता गाड़ी को, और आगे की तरफ जैसे ढलान में जाएगी ना इसका दिया हुआ स्पेशल से यहाँ पे ये उसको जाने से रोकता है, ऑटोमेटिक ब्रेक देगा उसको। सेम पोर्शन आपको इधर मिल जाता है, लेदर रैप्ड के अंदर आपकी सीटें रहेंगी, देखिए प्रॉपर वेंटिलेटेड सीटें हैं, फैब्रिक है जो मस्त है यार। और जो म्यूजिक सिस्टम है ना आपको 9 स्पीकर मिल जाते हैं, 9 स्पीकर का सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाता है। बड़ा सारा आपको इसके अंदर ग्लू बॉक्स मिल जाता है, एसी के वेंट। और यहाँ पर भी देखिए आपको ना वुडन का फिनिश देगा यार, वुडन और यहाँ पर सिल्वर स्टफ रहेगा। डुअल टोन ऑप्शन मिल जाता है, 6 आपको इसके अंदर एयरबैग्स मिल जाते हैं यहाँ पे स्टेयरिंग पे और सीटों के साइडों में, इधर यहाँ पे सीटों के साइडों में। और ये पूरा का पूरा जो कर्टन है ना इस पे वहाँ से लेकर वहाँ तक, वैसे बोलने में 6 आते हैं जैसे काउंट करते हैं, यहाँ से लेकर इसको पूरा कर्टन का ना एक ही एयरबैग में काउंट होता है, 1, 2 और यहाँ पे 3 और 3 इस साइड स्टेयरिंग में सेम। वैसे देखने में तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन कर्टन वाला एयरबैग ना कंपनी एक ही में काउंट करती है भाई। ये पीछे का स्पेस है देखिए, वहाँ से लेकर ना प्रॉपर पूरा कवर करेगा ये भाई। ये हमारे हैंडल बार है, वेंटी मिरर के अंदर आपको लाइट मिल जाएंगी, ये हमारे माइक्स और ये लाइटें जैसेंगी, ऊपर सनरूफ आपको देखने को मिल जाता है। इधर से हमारे सनरूफ ओपन है, ये बटन है, इनसे हमारे सनरूफ ओपन हो जाएगा। और डे नाइट रियर व्यू मिरर आपको मिल जाता है। और यहाँ पर भी एक स्पीकर है ना वो दिया हुआ है इधर भी, ये यहाँ पर देखिए आपको प्रॉपर फुल यार 9 स्पीकर का सेटअप दिया हुआ था। म्यूजिक तो इसमें मस्त होने वाला है भाई सच में। और यहाँ पर हमारा सन वाइजर ये मिल जाता है। ये था भाई हमारा अंदर का इंटीरियर। देखिए यहाँ पर है हमारे गणेश जी, ये ऐसा कुछ हमारा जो सफारी का ना अंदर जो इसका डिस्प्ले है ना इसमें चेंजेस किया गया है ये वाला, और थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बैक वाली सीटें हैं ना जो उसको भी दिखाते हैं। देखिए आर्म रेस्ट के अंदर दिखाएंगे एक बार आपको स्पेस, ये हमारा आर्म रेस्ट, नीचे हमारे को 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और देख सी का, और वैसे दोनों ग्लू बॉक्स रहेगा भाई उधर दिया हुआ ना, ये यूएसबी का रहेगा, इधर ऑक्स का लगवा सकते हैं, इसमें दिया हुआ नहीं है अभी फिलहाल। और ये इसके गाड़ी के 3 मोड है, इससे हम जिस मोड पर भी चलाना चाहें इस पर ये चेंज कर सकते हैं इसको। सेम पोर्शन आपको ये मिल जाता है, यहाँ पर देखिए टूटर रहेंगे, इधर आपको स्पीकर, ड्यूल बोतल का स्पेस, यहाँ पर भी स्पेस और इधर ग्रिपिंग के लिए, और इधर आर्म रेस्ट का यूज आप कर सकते हो। और ऊपर आपको ना लेदर मिल जाता है, यहाँ पर भी लेदर और यहाँ पर भी लेदर। ये देखिए बैक का स्पेस,
चाइल्ड लॉक आपको मिल जाता है, यहाँ पर ये चाइल्ड लॉक का बटन है, इसे ऑन करेंगे खिड़की सिर्फ हमारी बाहर से ही खुलेंगे जो विंडो है। एरो का डिजाइन तो टाटा की गाड़ियों पर देखिए देखने को मिल ही जाता, चाहे एसेसरी हो चाहे गाड़ी हो। बैक में आपको सीटों के पीछे पॉकेट मिल जाएंगी शानदार सी, और इधर पिलरों पर हमारे एसी के वेंट दिए हुए हैं। भाई कुछ गाड़ियों बीच में देते ना, इसमें यहाँ पर एसी के वेंट यहाँ पे दिए जाते, जैसे टाटा सफारी हैरियर में सभी में यहीं पे दिए होते हैं। बीच में हमारे आप फोन रख सकते हैं, नीचे दो चार्जिंग के पॉइंट दिए हुए हैं। दोनों सीटों में पॉकेट मिल जाएगी हमारे को, दो कप होल्डर ये मिल जाते हैं यार, इसमें इसको बंद कर सकते हैं। मस्त सारा यार ये फैब्रिक है ना जो देखिए गाड़ी का, एक नंबर का मेरे को तो फैब्रिक है इसका लगा। स्पेस है ना वो बैठ के दिखाता हूँ, देखिए हम आपको अंदर बैठेंगे एक बार, वो दिखाएंगे पहले एक बार सनरूफ दिखा देते, कितना बड़ा आपको ना देखिए सनरूफ मिल जाता है, काफी बड़ा। और इधर रीडिंग लाइट मिल जाएगी, हैंडल बार, एयरबैग्स तो मैंने आपको दिखाए भी, दोनों साइड आपको एयरबैग मिल जाएंगे देखने के लिए। और यहाँ से इनको जैसे ही सीटें करेंगे ना फोल्ड, इधर से देखिए 425 लीटर का काफी बड़ा हमारे को ये बूट स्पेस मिल जाता भाई। उधर दीवार साइड है ना, और गाड़ी की डिक्की ऐसी इनकी, अगर बैटरी लो है तो आप डिक्की नहीं ओपन कर सकते, काफी बड़ी ये पार्सल ट्रे मिल जाएगी। देखिए कितना स्पेस है, आराम से दो तीन बंदे बैठ सकते भाई पीछे। और ये हमारे अलग से एक एसेसरी पार्ट रहेगा, देख ये अंदर बैठ के दिखाता हूँ, देखिए लेग रूम स्पेस यार कितना है, और हेड स्पेस तो यार इसका मस्त है भाई, बहुत हेड स्पेस है सच में, मस्त गाड़ी है भाई ये। तो भाई ये था टाटा हैरियर का रिव्यू, और गाड़ी आपको कैसी लगी प्लीज हमारे कमेंट्स आप ना जरूर करना, और चैनल पर नहीं होते यार उसको सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और जो प्राइस है ना टाटा हैरियर XZA+ ऑप्शनल इसका 80 का, हमारा 23,62,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस रहेगा। जो ऑन रोड प्राइस है वो आप एजेंसी में जाके विजिट करके भाई देख सकते हो क्या प्राइस आपको मिलने वाला, क्योंकि सभी एजेंसियों का ना ऑन रोड प्राइस डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ये थे हमारे BS6 है ना जो Phase 2 एडास वगैरह म्यूजिक सिस्टम है, और भैया इसके अंदर ऑटो होल्ड आपको बटन वगैरह काफ़ी सारे इसके अंदर, जैसे 360 है वो चेंजेस मिल जाएगा, हमारा पार्किंग बटन है वो मिल जाएगा, एडास फीचर है, 200+ लैंग्वेज ये गाड़ी जैसे हमारे फ़ोन से कनेक्ट करते हैं ना ऐप वो ये सपोर्ट करती है, और भी काफ़ी सारे यार ये जैसे इंजन वगैरह के अंदर हमारे को जैसे BS6 Phase 2 है, नॉइस इसके अंदर आपको कम देखने को मिलती है सभी गाड़ियों के अंदर। पहले गाड़ी का जैसे केबिन में था ना आपको साउंड वगैरह सुनाई देता, लेकिन अब आपको ये समस्या बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली भाई सभी गाड़ियों के अंदर, BS6 Phase 2 के अंदर ये नॉइस बिल्कुल इन्होंने ख़त्म कर दी है। तो ये था हमारी टाटा हैरियर का रिव्यू गाइस, ये आपको ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ हमारे कमेंट्स शेयर जरूर करना आप, और नेक्स्ट आप किस गाड़ी का रिव्यू चाहते हो वो भी हमारे को जरूर से बताना। हम मिलते हैं किसी नई गाड़ी का रिव्यू लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।